So good morning, students. So dear students, let me start today's lecture. देखो बच्चों, हम बोहर्स मॉडल पढ़ चुके हैं, बोहर मॉडल के ड्रॉबैक पढ़ चुके हैं, हमने ड्यूअल करेक्टर पढ़ा और हमने बोला सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो रहा हमारे पास वो था कि बोहर कैन नॉट एक्सप्लेन द ड्यूअल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बोहर जो है वो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल करेक्टर को तो बता सकता है, लेकिन बोहर कभी भी इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल करेक्टर को नहीं बता पाया, वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने नहीं बताया. अब देखो बेटे, आज इसी का एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक लेके आएंगे, जिसके बाद हमारा ये जो बोहर मॉडल है बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया. तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज हीजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हीजेंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. क्या कहा मैंने? हीजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फिनोमिना है बेटा हीजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक, देखो बेटा, हीजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है एक मैथमेटिकल वैल्यू से कैलकुलेट हुआ, मैथमेटिकली इसको देखा गया. ठीक, एंड देन इसके ऊपर इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया गया. अब ये कहता है, सबसे पहले तो डेफिनेशन देखिए, ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट with absolute accuracy. क्या कहा इसने? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी. अगर मेरे पास कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की आप पोजिशन भी देखना चाहते हो बच्चों, और साथ ही साथ उसका मोमेंटम भी देखना चाहते हो इकट्ठा, ठीक, तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ये पॉसिबल नहीं हो सकता. ठीक है बच्चे, देखो इस पूरी डेफिनेशन में तीन इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर वो तुम नहीं लिखते हो तो हीजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गलत लिखा होगा. समझ में आई? ये पेपर में आना जरूर है आपके प्रश्नों में. देखिए बड़ा, सबसे पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है साइमल्टेनियसली, यानी इकट्ठा. दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास जो यहां पर आता है इस डेफिनेशन में है, वो आता बेटा माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस. दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर आता है माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस, यानी दिस प्रिंसिपल इज ओनली वैलिड टू द सब्सटेंस व्हिच आर माइक्रोस्कोपिक, जो बहुत छोटे होते हैं उसके ऊपर वैलिड होता है. और तीसरी बात इसमें एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, यानी अगर हमें एक्यूरेसी से मापना, 100% एक्यूरेसी से, वो पॉसिबल नहीं. तो ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी. कि अगर आप किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का पोजिशन भी और मोमेंटम भी दोनों ही मेजर करना चाहते हो, वो भी इकट्ठे मेजर करना चाहते हो, और वो भी बेटा हमारे पास एब्सोल्यूट एक्यूरेसी से मेजर करना चाहते हो, सो दैट इज इम्पॉसिबल. इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट
विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। जैसे समझो बात को कि मान लो मेरे पास ये एक ऑर्बिट था, अभी तक हम ऑर्बिट की बात कर रहे थे ना, और यहां पे ये इलेक्ट्रॉन था। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को देखना है, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को देखना है तो बेटा इलेक्ट्रॉन नेकडाइस पे दिखेगा ही नहीं। We have to use microscope or mind it. आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा नहीं, ठीक? ऐसा हमारे पास So, I was talking about कि जैसे ये मेरे पास एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अगर मुझे इसको देखना है तो देखने के लिए जैसे बेटा मैंने यहां पर एक माइक्रोस्कोप दिया, दिस वॉज अ माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप वैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को आज तक देखा नहीं किसी, ठीक, बट येट ठीक, अगर मुझे इसको देखना हुआ तो मुझे माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप देखने के लिए, माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए मैं लाइट डालनी पड़ती। अब हमने इसके ऊपर लाइट डाली, जस्ट ये दिखे मेरे को लाइट डाली। अब लाइट अगर डालेंगे तो एक होती है माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर। क्या होती है रिजॉल्विंग पावर? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिजॉल्विंग पावर? बेटा दो क्लोज डॉट्स को सेपरेटली देखने की पावर को रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। जैसे बेटा अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि ये कितने डॉट्स हैं, मैं आपसे पूछूं ये कितने डॉट हैं, तो आप शायद बता सकोगे कि ये टू डॉट्स हैं। पर अगर मैं बोलूं तो आपके पास ये कितने डॉट्स हैं, हो सकता है आप बता दें चार डॉट्स। लेकिन अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कितने डॉट्स हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम इसको बता पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आई की एक रिजॉल्विंग पावर होती है, ठीक। यानी दो क्लोज डॉट्स को अलग अलग देखने की एक पावर होती है। जैसे मान लो कहीं दूर हम देख रहे हैं काला सा एक धब्बा नजर आ रहा है, जैसे हम पास पास जाते हैं पता चलता है काफी सारी चीजें हैं, छोटे 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 कीड़े हैं, वो ब्लैक ब्लैक कलर के हैं। जब और पास जाते तो बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो हमारे रिजॉल्विंग पावर होती है आई की, जिससे हम दो चीजों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऐसे दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स में डिस्टिंग्विश करने के लिए माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर होती है। और जो रिजॉल्विंग पावर होती है बेटा माइक्रोस्कोप की, मैं यहां लिख रहा हूं रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड resolving power of a microscope is inversely proportional to wavelength of light। समझ में आ रहा है? यानी जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना रिजॉल्विंग पावर हमारे पास कम होगा, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी, उतने दो क्लोज डॉट्स पास नजर आने अलग अलग दिखाई देंगे। यानी अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को क्लियरली देखना है तो we have to use a shorter wavelength। therefore for seeing electron we have to use shorter wavelength। क्योंकि अगर wavelength short होगी तभी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। पर अगर वेवलेंथ शॉर्ट हुई तो बेटा एनर्जी बहुत ज्यादा हो, ठीक। बट इफ वेवलेंथ इज शॉर्ट देन एनर्जी इज मोर। अगर वेवलेंथ शॉर्ट हुई तो एनर्जी ज्यादा होगी। बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलती है ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है जी। यानी अगर बेटे हमारे पास वेवलेंथ शॉर्ट हुई तो एनर्जी ज्यादा हो।
अगर एनर्जी ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा। एब्सॉर्ब करके एक तो अपने शेल से चलो किसी दूसरी शेल पे चला गया, पर चलो उसको पोजीशन तो दिखाई दे गई हमें कहां पे पहुंच गया, ठीक, क्योंकि लाइट शॉर्ट वेवलेंथ थी तो पोजीशन तो दिख गई, पर बेटा उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो गई ना, तो क्या हम बता पाएंगे उसकी वेलोसिटी क्या है या पहले क्या थी। अब अगर मेरे को वेलोसिटी देखनी है तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी देखने के लिए एनर्जी कम डालनी पड़ेगी, अगर एनर्जी कम की तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, वेवलेंथ ज्यादा हुई तो रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन क्लियरली दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लो एक अंधेरे कमरे में आपको काली बिल्ली को ढूंढना, अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को ढूंढना, तो भैया अंधेरे कमरे में काली बिल्ली दिखाई देगी क्या, उसकी आंखें भी बंद है मान लो, दिखाई देगी क्या, नहीं दिखाई देगी, आपको लाइट डालनी हो, जैसे आप लाइट डालोगे ठीक क्या होगा, बिल्ली भाग जाएगी, उसको पता चल जाएगा मेरे को देखने भाग जाएगी। उसी तरह से यहां पे इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए आपको लाइट डालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए आपको लाइट डालनी पड़ेगी, और लाइट भी कौन सी डालनी पड़ेगी, ऐसी लाइट डालनी पड़ेगी बेटा जिसकी वेवलेंथ क्या हो, शॉर्ट हो। अगर वेवलेंथ शॉर्ट हुई तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो, और अगर उसकी एनर्जी ज्यादा हुई बेटा तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली, एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर लेगा, अगर उसने एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली वो अपनी शेल पे खड़ा हुआ नहीं रहेगा, ठीक, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो आपने पोजीशन तो देख ली पर वेलोसिटी नहीं देखी, और अगर वेलोसिटी देखनी है तो वेवलेंथ आपको क्या करनी पड़ेगी, लॉन्ग यूज करनी पड़ेगी, एनर्जी कम वेवलेंथ लॉन्ग, उससे क्लियरली दिखेगा नहीं। यानी अगर एनर्जी आप पोजीशन भी देखना चाहते हो और वेलोसिटी भी देखना चाहते हो, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इसलिए बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। समझ में आ गए। अब देखो बेटे ये कहता है मान लो हमारे पास डेल्टा एक्स, इसको हमने बोल दिया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, क्या बोल दिया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या है, ठीक है जी। और दूसरी बात हमारे पास होती है डेल्टा, मान लो पी, इसको बोल दिया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी। तो जब इसको मैथमेटिकली डिराइव किया गया तो ये इक्वेशन आई डेल्टा एक्स यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू डेल्टा पी दैट इज अनसर्टेनिटी इज मोमेंट इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h upon 4 pi is greater than equal to h upon 4 pi। बेटा ये हमारे पास हिंडनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला हो गया कि डेल्टा x दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू डेल्टा p दैट इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h upon 4 pi। यानी दोनों अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी पोजीशन का जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू कम से कम 4 बाय ये h बाय 4 पाई होगी, उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। अगर उससे कम नहीं हो सकती तो देखो अगर बेटा मैंने इसकी अनसर्टेनिटी कम की, अगर मैंने डेल्टा एक्स की अनसर्टेनिटी कम की यानी इसको सर्टन करने की कोशिश की यानी पोजीशन को सर्टनली देखने लगा, प्रोडक्ट तो कम होगा नहीं, तो बेटा ये वाली अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी क्योंकि ये तो कम नहीं होगा ना, ये इससे ज्यादा होता है या बराबर होता है। तो अगर आप इसकी अनसर्टेनिटी को कम कर दो तो ये बढ़ेगा, मतलब समझो ये मेरा मार्कर है, अब मार्कर में दो पोर्शन देख रहे हो, एक खाकर पोर्शन और एक खोखा पोर्शन, ये दो पोर्शन है,
मार्कर से छोटा नहीं हो सकता। अब इसमें दो चीजें हैं, एक ढक्कन पोर्शन एक खोखा पोर्शन। अगर मैं ढक्कन पोर्शन को बढ़ा दूंगा तो मेरा खोखा पोर्शन कम हो जाएगा, खोखा पोर्शन को बढ़ाता हूं ढक्कन पोर्शन कम हो जाएगा, पर मार्कर तो छोटा नहीं होएगा ना भाई। सिमिलरली जब इन दो चीजों का प्रोडक्ट मिला के कम से कम इतना है, इससे छोटा नहीं होगा, तो अगर एक चीज की अनसर्टिनिटी को कम करोगे तो दूसरी चीज की अनसर्टिनिटी बढ़ेगी ही। यानी अगर एक चीज सर्टन हो जाती है तो कहता है दूसरी चीज हमेशा अनसर्टन रहती है, दूसरी चीज हमेशा अनसर्टन रहती है। अगर एक चीज सर्टन है तो दूसरी बेटा अनसर्टन हो गई। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? इसलिए बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। बेटे आपको मैंने पी क्या बताया था? मोमेंटम। और आपको पता था मोमेंटम किसके बराबर होता है? एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है जी, तो बेटा इधर पुट कर देते हैं तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। पर बेटे किसी का मास अनसर्टन नहीं, मास तो पक्का पक्का निकाल सकते, इससे एम कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसके आगे डेल्टा नहीं आएगा, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। ठीक, तो ये इसका दूसरा हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया जिसमें हमने मोमेंटम को पूरी तरह से लिखा और बन गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। यहां से हमें समझ में आया कि भैया मोमेंटम नहीं, एक्चुअली वेलोसिटी अनसर्टेन। वही तो हमने पढ़ा था ना, जब यहाँ पे लाइट गिरी तो एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी तो वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी अनसर्टेन है। तो अगर पोजीशन और वेलोसिटी दोनों इकट्ठा मेजर करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ अलग से वेलोसिटी मेजर कर दो, अलग से पोजीशन मेजर कर दो, एक अलग बात है, लेकिन ये साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। So it is impossible to measure simultaneously the position and velocity of a microscopic object with absolute accuracy. अब देखो बेटे, अगर मैं देखूं तो ये मास नीचे आ जाएगा, ये मास नीचे आ जाएगा। इसको मैं अगर ऐसे देखूं, delta x into delta v is greater than equal to x upon 4 pi m. क्यों जी? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा मास ज्यादा हो जाता है तो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट कम हो जाता है। अगर मास ज्यादा हो जाता है तो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट कम हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है ना भाई। इसीलिए हिगेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ओनली एप्लीकेबल, only applicable to microscopic objects, microscopic objects जिनका मास कम हो, जिनका मास कम हो उनकी uncertainty का product ज्यादा हो, और जिनका मास ज्यादा होगा uncertainty का product इतना कम होगा, that can be neglected, we can be very certain। जैसे अगर मुझे देखना हो तो कम लाइट से चलेगा भाई, दिखेगा ना, माइक्रोस्कोपिक थोड़ी हो, मैक्रोस्कोपिक हो, कम लाइट भी डालोगे तब भी दिखाई देगी, इतनी विशाल का बॉडी है ना भाई, है ना, पूरी तरह से फैली हुई, और ऑब्वियसली मेरी वेलोसिटी भी साथ साथ मेजर कर सकोगे। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ले, याद रखना पिछले दिन हमने पढ़ा डी ब्लॉक रिलेशनशिप, तो बेटा डी ब्लॉक रिलेशनशिप जो था दैट वाज एप्लीकेबल ऑन माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक, दोनों चीजों पे वैल्यू था। लेकिन हिगेंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ओनली वैलिड ऑन
माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो पहले बताओ कि क्या तुम्हें समझ में आया कि हिंडनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? इसकी डेफिनेशन ऐसे ही लिखनी है, ठीक, इसकी डेफिनेशन ऐसे ही लिखनी है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ठीक है जी, कि अगर आप किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम या फिर वेलोसिटी आप उसको मेजर करना चाहते हो साइमल्टेनियसली, तो कहता है ये इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। अब दो चार चीजें और पढ़ते हैं। पहली बात, तो क्या हम कोई बेटर डिवाइस बना करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं? जैसे हम यहां बोल रहे हैं कि हम पोजीशन भी नहीं देख सकते और हम साथ ही साथ में वेलोसिटी देख सकते, दोनों चीजों को इकट्ठा एक्यूरेसी एक्यूरेटली नहीं देख सकते, तो कैन वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय मेकिंग अ मोर प्रिसाइज डिवाइस? मैं कोई और अच्छा माइक्रोस्कोप बना करके क्या इस पोजीशन को इस पर्टिकुलर चीज से ओवरकम कर सकता हूं? आई कैन नेवर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल एरर ही नहीं है ना, दिस इज नॉट एन एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट का एरर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया आपको कोई भी माइक्रोस्कोप बना ले अच्छे से अच्छा, देखने के लिए तो लाइट डालनी पड़ेगी और उसकी रिजॉल्विंग पावर तो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी ना मेरे भाई। अरे यार किसी चीज को देखना तो लाइट तो ब्राइट चाहिए ही ना, है ना, बिना ब्राइट लाइट के तो नहीं दिखेगा। मैंने यहाँ अपने कमरे में जब शुरू किया था क्लास तो बेटा 3 लाइट थी, आज यहाँ पे 7 लाइट से तब भी डाल, है ना, अब यहाँ पे अगर मैं 10 लाइट लगा दूंगा तब जाके दिखाई दूंगा, मतलब थोड़ा ब्राइट बढ़ाना पड़ेगा ना, ब्राइटनेस बढ़नी पड़ेगी, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जब भी हमें इलेक्ट्रॉन को देखना होगा माइक्रोस्कोप के नीचे तो लाइट तो डालनी पड़ेगी और उसकी वेवलेंथ भी शॉर्ट ही डालनी पड़ेगी, तभी रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की इतनी होगी कि आप इलेक्ट्रॉन को देख पाएंगे। समझ में आई मेरी बात? तो यानी इंस्ट्रूमेंट का एरर ही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट अच्छे से अच्छा बना लो, यू हैव टू यूज लाइट, और अगर लाइट यूज करोगे इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और करेगा तो भैया उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। सो वी कैन नॉट ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय मेकिंग एनी प्रिसाइज डिवाइस और एनीथिंग, हम कर ही नहीं सकते इसको ओवरकम। और यहीं से बेटे हिंडनबर्ग ने बोहर मॉडल को पूरी तरह डेथ ब्लो दिया, क्योंकि वी कैन नॉट ओवरकम दिस अनसर्टेनिटीज इन पोजीशन एंड वेलोसिटी, यानी वी कैन नेवर मेजर पोजीशन एज वेल एज वेलोसिटी साइमल्टेनियसली, जबकि बोहर ने पोजीशन और वेलोसिटी एग्जैक्टली और साइमल्टेनियसली मेजर किया। उसने बताया अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा पोजीशन तो उसकी वेलोसिटी ऐसे निकाल देंगे, वेलोसिटी वी एन इज इक्वल टू v not into z by n, ये थे ना। तो उसने तो क्या किया, सर्टन पोजीशन और उसकी वेलोसिटी भी बताई। हिंडनबर्ग बोला भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं था, तो आपने कैसे बता दी, इसका मतलब आपका मॉडल गलत है, या तो आपके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन गलत है या तो आपके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी गलत है। समझ में आई? सो दिस प्रिंसिपल गेव डेथ ब्लो टू द बोहर्स मॉडल। क्लियर हो गया यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या क्या पूछते रहते हैं। अरे थ्रेशोल्ड का मतलब यहां पे कहां से आया, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब कहां से आ गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरे भाई? एक वर्ड सुना हम सारी जिंदगी जपते रहेंगे क्या? अरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन थी मिनिमम frequency needed to eject electron. ओ भैया मैं यहाँ पे electron eject करवा रहा हूँ कि देख रहा हूँ? अरे कुछ भी कहीं पे भी, अरे threshold frequency
वो इजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए थी उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते थे। अरे यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ी है दोस्त, यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन को देखना है तो हम कितनी एनर्जी डालें ताकि इलेक्ट्रॉन दिख जाए, यहाँ ये बात हो रही। और हम ये बोल रहे हैं कि हाँ हमें इसकी अगर वेवलेंथ ज्यादा यूज की तो रिजोल्विंग पावर कम होगी, हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा। अरे हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन थोड़ी करवाना था। फिर अभी थोड़ी देर पहले कोई बोल रहा सर ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से बेस्ड है। अरे मेरे भाई ऑब्वियस है, ये सारी चीजों को कंसीडर करके चला है और उसे आगे निकला है। इसके अकॉर्डिंगली अब वेव हो पार्टिकल हो वो सब कुछ चलेगा, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, अभी सिर्फ ये समझना जरूरी है कि क्या हमें ये समझ में आया कि अनसीन प्रिंसिपल क्या कहता है। It is impossible to measure simultaneously the position and the velocity or thus momentum of a microscopic object with absolute accuracy. Now, next one. कहते हैं कि ये जो relationship है ना केवल velocity और you can say delta x uncertainty position इसी पे नहीं, ये सारे कॉन्जुगेट वेरिएबल्स पे अप्लाई होता है। नाउ कॉन्जुगेट वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा? कॉन्जुगेट वेरिएबल्स होते हैं जो एक ही टाइम पे दोनों देखने पड़ते हैं। जैसे अगर आपको वेलोसिटी देखनी है तो बेटा ये देखना पड़ेगा किस पोजीशन पे वेलोसिटी देखो, तो कॉन्जुगेट पोजीशन कॉन्जुगेट पेयर हो गए ना। अगर वेलोसिटी देखनी तो देखना पड़ेगा ना किस ऑर्बिट में है, पोजीशन और वेलोसिटी दोनों देखनी होगी ना, कॉन्जुगेट पेयर है इसलिए एप्लीकेबल है। उसी तरह से कॉन्जुगेट पेयर हो जाता है एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल, तो बोलता है इसी फॉर्मूला को ऐसे लिखा जाता है डेल्टा ओमेगा इंटू डेल्टा थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई वेयर ओमेगा इज एंगुलर मोमेंटम, इसको एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, और जो थीटा है वो एंगल है। अब बेटा एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो क्या बिना एंगल के निकलेगा? दीज बोथ आर कॉन्जुगेट पेयर, बिना एंगल के एंगुलर मोमेंटम नहीं निकलना है। ठीक, तो ये दोनों इकट्ठे ही लिखे जाएंगे तो इसमें भी ये लॉ वैलिड है। फिर अगली बार इसी तरह से बेटे हमारे पास डेल्टा ई एनर्जी एंड टाइम, डेल्टा ई इनटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, क्योंकि अगर हमें किसी चीज की एनर्जी निकालनी है तो किस समय किस टाइम पे निकालनी है वो तो बताना ही पड़ेगा ना भाई। तो ये कॉन्जुगेट पेयर है, कॉन्जुगेट पेयर जो होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और एक चीज निकालने के लिए दूसरी चीज की जरूरत होती है। देखो एंगुलर मोमेंटम निकालना है पर एंगल पता नहीं है तो क्या निकलेगा एंगुलर मोमेंटम? एंगल के बिना तो नहीं निकलेगा। उसी तरह से एनर्जी निकालनी है, किस समय निकालने पता ही नहीं है, अरे कोई टाइम पीरियड तो होगा कि अच्छा कितने टाइम पीरियड में एनर्जी है ना, तो ये कॉन्जुगेट वेरिएबल होते हैं। भले ही बेटा पेपर में हमें एज इट इज इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आना है बट ये हमें पता होना चाहिए कि दिस कैन बी एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्जुगेट वेरिएबल्स, और कॉन्जुगेट वेरिएबल पेयर्स वो होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक चीज को निकालने के लिए दूसरे चीज की जरूरत होती है। जैसे आपके नंबर और आपका हार्डवर्क, बेटा आपके नंबर बिना आपके हार्डवर्क हो सकता है? ऊपर से टपकेंगे दोनों इकट्ठे और मेजर भी इकट्ठे होंगे कि भैया आपके नंबर अच्छे आए तो आप हार्डवर्क ज्यादा कर रहे हो, नंबर बुरे आए हार्डवर्क कम कर रहे हो, इकट्ठे मेजर होगा ना दोनों, तो उन दोनों की अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो एच बाय फोर पाई से ग्रेटर या उसके बराबर होगा। सच छोटा अभी फटाफट से बोलो क्या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में आया और उसकी ये फॉर्मूला समझ में आए? ठीक, और ये जितना अभी तक बताया
समझ में आया कि आया क्विकली यस और नो इक्वल टू नो है वो नहीं। ओके सो अब देखो बेटे, हमने यहां पे ये भी पढ़ लिया कि भैया मोर प्रिसाइज डिवाइस बना के इसका कुछ नहीं हो सकता, हमें इसमें प्रॉब्लम आनी ही है, ठीक है जी। अब देखो बेटे आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब इस पे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक। न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले इसने बोहर मॉडल को डेथ ब्लो दे दी, वो समझ में आ गया क्योंकि बोहर कहता था इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी होगी, जबकि ये कहता है कि पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली निकाल नहीं सकते। समझ में आई बात? और वो तो यही बोला इस पोजीशन पे वेलोसिटी इतनी होगी, यानी साइमल्टेनियस, दैट इज नॉट पॉसिबल, साइमल्टेनियसली बोल नहीं सकते आप, क्लियर। या तो उसमें पोजीशन गलत होगी या उसमें वेलोसिटी गलत होगी, तो इसका मतलब बोहर का मॉडल गलत होगा, क्लियर। तो बोहर मॉडल को तो यहाँ डेथ ब्लो लगी है, लेकिन एक बहुत खास बात है, अब ध्यान दीजिएगा ताकि मैं आपको इसके बारे में बता सकूं। हिंडनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि यहां से हम एक चीज प्रूव कर पाए कि वाई इलेक्ट्रॉन हैंग हो गया बच्चों, तो चलो फिर दोबारा से आना, क्या कम अगेन, उम्मीद है बच्चों एवरीबडी हैज जॉइंड अगेन, उम्मीद है, ठीक। नाउ अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आएगा, मतलब इसका सबसे बड़ा फायदा, वो इस हिंडनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सबसे बड़ा फायदा, इससे हम एक्सप्लेन कर पाए कि इलेक्ट्रॉन वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, जैसे अभी तक हम ये बोल रहे थे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता था कि हम ऐसा क्यों नहीं बोलते भी इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में है और प्रोटॉन उसके इर्द गिर्द घूम सकता है या ऐसा कुछ हो, ठीक। Why electron cannot exist in nucleus? अब इसका जवाब इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से हमें समझ में आ जाए। कैसे? मान लो ये न्यूक्लियस है,
मान लेते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक। और बेटा हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है बेटा, न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है यानी डायामीटर जो है वो 10^-15 मीटर होता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि डायामीटर जो होता है वो 10^-15 मीटर होता है बेटे, किसका? न्यूक्लियस का, फर्मी, वन फर्मी, ठीक, ये डायामीटर है। अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर पाया जाना है, इफ इलेक्ट्रॉन हैज टू बी फाउंड इन न्यूक्लियस, वो यहां होगा कहीं पे भी होगा, उसकी मैक्सिमम अनसर्टनिटी इसी रीजन के अंदर होनी चाहिए, यानी वो इसी रीजन के अंदर कहीं पाया जाना चाहिए। यानी आंसर इसका क्या आएगा कि इफ इलेक्ट्रॉन इज टू बी फाउंड इन न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में पाया जाना है, इफ इलेक्ट्रॉन इज टू बी फाउंड इन न्यूक्लियस, व्हाट शुड हैपन? इट्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इट्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इन पोजीशन मस्ट बी, पोजीशन मस्ट बी इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज 10^-15 मीटर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में पाया जाना है तो इसकी अनसर्टेनिटी यही है ना, इसी रीजन के अंदर ही है ना, 10^-15 के अंदर अंदर है ना, तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डेल्टा एक्स 10^-15 मीटर हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अपना ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो अप्लाई करेंगे। हमें पता था अकॉर्डिंग टू हिजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एचयूपी क्या हो गया, हिजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमें पता था डेल्टा एक्स इनटू एम डेल्टा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π। बेटा यहां से हम डेल्टा बी निकाल लेते हैं, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकाल देते हैं, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π इनटू एम इनटू डेल्टा एक्स हो गया कि नहीं हो गया, है ना बेटा, यानी ये भी नीचे चला गया, ये भी नीचे चला गया, तो डेल्टा बी जो होगा वो हो जाएगा एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10^-, बड़ा दुख से बोले, -34। और बेटे जी 4 तो 4 है, पाई 3.14 है मास, हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10^-31 होता है। और बेटा डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी पोजीशन कितनी होगी बेटे, जितनी हमने यहां पे निकाला 10^-15 मीटर। अब इसको जरा सॉल्व कर ले, जब इसको सॉल्व करेंगे द वैल्यू कम्स आउट टू बी 5.79 इंटू 10^10 मीटर पर सेकेंड, क्या 5.79 इंटू 10^10 मीटर पर सेकेंड, यानी अगर इलेक्ट्रॉन को इतने रीजन के अंदर रहना है तो उसकी वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी 5.79 इंटू 10^10 होनी चाहिए, जबकि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10^8, यानी ये पहले ही उससे 200 टाइम अनसर्टेनिटी, लाइट की स्पीड से 200 टाइम ज्यादा है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ही, जो वेलोसिटी में हम सर्टन नहीं है, अनसर्टेनिटी एक परसेंटेज होती है टोटल वेलोसिटी की ना, हम जिस चीज के लिए सर्टन नहीं है वही वैल्यू डबल द वेलोसिटी ऑफ लाइट है,
और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी कहीं ज्यादा मूव करना चाहिए, तभी उसकी अनसर्टेनिटी, छोटी मोटी जो अनसर्टेनिटी है, देखो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या, जहां मेरे से गलती हो सकती है। जैसे किसी की वैल्यू 10 है, भैया मैं इसको 10.1 देख सकता हूँ, 10.2 देख सकता हूँ, 9.7 देख सकता हूँ, ये छोटी मोटी अनसर्टेनिटी है ना कैलकुलेशन में बेटा, है ना। अब ऑब्वियसली अगर मेरे पास 10 है तो छोटी मोटी अनसर्टेनिटी होगी, उसी तरह से अगर अनसर्टेनिटी इतनी है जो लाइट की स्पीड से ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन शुड मूव मोर 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 देन द स्पीड ऑफ लाइट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप पढ़ चुके हो कोई मेटीरियल ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, और यहां तो अनसर्टेनिटी उससे ऊपर आ गई, व्हिच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, जो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आई, लाइट की स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर सकता, और यहाँ पे अनसर्टेनिटी लाइट से ज्यादा, लाइट की स्पीड से ज्यादा। इसका मतलब ये है कि गाड़ी चल रही है ठीक किसी रोड पे, और आप बोल रहे हो उसकी स्पीड में जो अनसर्टेनिटी आ रही है ना यार, वो लगभग 4000 किलोमीटर पर आर आ रही है, और स्पीडोमीटर सिर्फ 120 तक है। क्या बोल सकते हैं हम ये कि स्पीडोमीटर सिर्फ 220 तक है, और हम बोल रहे हैं जिसमें अनसर्टेनिटी जो है ना वो 5000 किलोमीटर पर आर के हिसाब से। अगर कोई चीज 50000 किलोमीटर पर आर के हिसाब से चले, तब उसकी अनसर्टेनिटी 5000 के करीब करीब हम ले लें, कभी वो फास्ट हुई कभी स्लो हुई, है ना भाई। पर क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीडोमीटर 220 का है और अनसर्टेनिटी 1000 की है, पॉसिबल है? यानी मैक्सिमम स्पीड 220 हो सकती है और हम बोले अनसर्टेनिटी 1000 की है, पॉसिबल है? नहीं है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से 1/137 टाइम कम होती है। याद रखो बोहर मॉडल में करवाया था कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में, वो 1/137 टाइम्स ऑफ लाइट होती है, पढ़ा था हमने। यानी इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द इन दैट। और यहां अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा, लगभग 200 गुना ज्यादा, विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। हाँ, अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूं, ठीक, हमारे एटम का जो डिस्टेंस है, एटम का जो इफेक्टिव रेडियस हम मान के चलते हैं ऑलमोस्ट, ठीक पता तो हमें है नहीं, बट ऑलमोस्ट मान के चलते 10^-10। अगर मान लो यहां मैं 10^-10 भर देता हूं, तो बेटा 5 की कमी आ गई, 5 की कमी आई तो ये वैल्यू अपने पास हो जाएगी 5.79 × 10^5। अब तो बात दस्ती है ना यार, ये स्पीड ऑफ लाइट से नीचे आ गई ना बहुत, और ये इलेक्ट्रॉन की अपनी वेलोसिटी से भी नीचे आ गई, 10 times नीचे आ गई, तो ये बात तो जस्ती है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो 10^-10 मीटर में तो रह सकता है, यानी एटम के अंदर तो रह सकता है, पर 10^-15 मीटर के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि अगर उतने से एरिया के अंदर वो हुआ तो उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो जाएगी, विच इज टोटली एब्सर्ड, जो पॉसिबल ही नहीं है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो लिखो क्विकली। ओके ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन जिससे हमें समझ में आया था कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। अब चलिए, अब हमें हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया और इसने बोहर मॉडल की ऐसी की तैसी कर दी। बोहर मॉडल तो खत्म किया ही किया, साथ ही में इसने ये भी बता दिया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास होगा। नाउ मूविंग विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कुछ न्यूमेरिकल अब हम करने लगेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि व्हाट इज ऑल अबाउट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमें क्वेश्चन पेपर में कैसे करने हैं। देखो बेटा, थ्योरी जानने से कुछ नहीं होता, है ना, कहते थ्योरी पढ़ पढ़ जगमुआ डॉक्टर भया ना कोए, है ना भैया, 2.5 क्वेश्चन किताब हो के करे से डॉक्टर कोए, आपको क्वेश्चन आने चाहिए सबसे पहले। तो चलिए अब हम करेंगे इससे आगे, ठीक, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ऑन हिजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
देखो बेटे न्यूमेरिकल्स की जहां तक बात करें तो फॉर्मूला ध्यान में रखें कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. बेटा डेल्टा एक्स अनसेटल्ड इन पोजीशन, डेल्टा पी अनसेटल्ड इन मोमेंटम, एच क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू पता है सर. उसी तरह से इसको सॉल्व किए थे कि डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, जहां पे एम क्या हो गया मास हो गया बेटा जी, और डेल्टा बी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो गई. ठीक है जी. तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं अपन. पहला क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्वेश्चन है फाइंड द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Find the uncertainty of position of electron in the first Bohr orbit. In the first Bohr orbit, Bohr orbit with an uncertainty, with an uncertainty of 10% in its velocity. ठीक है जी. हमें बोला हमें डेल्टा एक्स पोजीशन की अनसर्टेनिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ 10% इन इट्स वेलोसिटी. पहली बात हमारे पास यहां पे अनसर्टेनिटी 10% है वेलोसिटी की. भैया वेलोसिटी पता होगी तभी तो उसकी अनसर्टेनिटी निकालेंगे. तो पहला काम है वेलोसिटी निकालना यहां. अब वेलोसिटी किसकी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट. तो बेटा फॉर्मूला याद होगा 2.16 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू जेड अपॉन एन. याद है ये बोहर मॉडल का फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड. यानी कि z हाइड्रोजन के लिए 1 है, n 1 है, तो वेलोसिटी यहां पे आ गई 2.16 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी आ गई. लेकिन हमसे पूछा है डेल्टा v यानी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. अब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी दी है बच्चों हमारे पास, दी है 10%. यानी 10% 10/100 ऑफ 2.16 × 10⁶. ठीक है जी. यानी ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 2.16 × 10⁵ आ जाती है. ये डेल्टा भी है. अब हमें निकालना था डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा बी is greater than equal to h upon 4 pi. तो बेटा जी यहां पे हमें निकालना था डेल्टा x uncertain position is greater than equal to h upon 4 pi into m delta v. ठीक है जी. सो डेल्टा x जो हो गया हमारे पास वो कितना हो गया, एच की वैल्यू बोले 6.626 × 10⁻¹⁴ डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14. और बेटा एम मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 × 10⁻³¹ kg. और वेलोसिटी कितने में बेटा
डेल्टा भी था 2.16 इंटू 10 टू पावर 5। सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट डेल्टा भी। बोलो बच्चे ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दे मेरे को। ओके वेरी वेल डन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन, ठीक, इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक। लिखिए अ टर्टल ऑफ मास, ये मिटा दूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है अ टर्टल ऑफ मास a turtle of mass 150 gram is moving with a speed of 10 centimeter per second. 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक, या 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड कर लेते हैं, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन if velocity is accurate up to 5%, ठीक बेटा, ठीक। सबसे पहली बात जो हमें यहां पे समझनी चाहिए थी, ठीक, वो है कि हमें ये बोला पोजीशन एक्यूरेट अप टू, अब बेटा वेलोसिटी से, अब ये बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि ये एक्यूरेसी दी है या इनएक्यूरेसी दी है, कंफ्यूजन, ठीक है। यानी हम डेल्टा वी क्या भरें सर, ठीक, डेल्टा वी क्या भरें, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी क्या भरें, ये एक्यूरेसी भी है कि इनएक्यूरेसी भी है, और हम यहां एक्यूरेसी भरते हैं कि इनएक्यूरेसी भरते हैं। देखो बेटा, जब हम बोले एक्यूरेट अप टू यानी 5%, इसका मतलब अगर उसकी स्पीड 100 थी तो हो सकता है वो 95 हो या हो सकता है वो 105 हो, यानी 5% उसके आसपास है, यानी एक्यूरेट अप टू 5% जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक, वो 5% के करीब करीब है, इससे 5% नीचे या ऊपर हो सकता है। यानी यहां पे चाहे इनएक्यूरेट अप टू लिखा हो चाहे एक्यूरेट अप तक अप टू लिखा हो, घबराना नहीं, उसको डेल्टा में पुट करना है, उसका मतलब सेम ही है, लिखने में कई बार गलती हो जाती है, ठीक। तो यहां एक्यूरेट अप टू 5% मतलब इसमें जो इनएक्यूरेसी यानी अनसर्टेनिटी है वो 5%, और बोलते इनएक्यूरेट तब तो पक्का ही था कि हमारे पास क्या है 5%, तो 5% ऑफ 5 ऑफ 100 यानी कि यहां पे आ गया 5 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। तो पहली बात तो हमने डेल्टा भी यहां निकाल दिया, और आपको समझ में आ गया कि यहां पे चाहे इनएक्यूरेट दिया हो चाहे एक्यूरेट अप टू दिया हो, दोनों को सेम लेके चलना है, वो एक्चुअली अनसर्टेनिटी है, क्लियर। अगली बात, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें पता क्या है कि अगर एक क्वेश्चन कहीं कंपटीशन में आ गया तो उसमें चार ऑप्शन दी होंगी ए बी सी डी, और डी में लिखा कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, तो आपका आंसर सबसे पहले होगा कैन नॉट बी कैलकुलेटेड,
अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि बेटा दिस इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, क्या टर्टल माइक्रोस्कोपिक है भाई? क्या टर्टल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो? क्या उसके ऊपर लाइट पड़ने से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी? नहीं ना। तो यानी ये वैलिड ही नहीं है, यहां पे वैलिड ही नहीं है। तो अगर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस दे दिया गया जो मैक्रोस्कोपिक है और एक ऑप्शन आपको दिया कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आप आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही करेंगे। पर हाँ, अगर दिया ही नहीं है सर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया ही नहीं, इसका मतलब दिस इज सूडो क्वेश्चन फॉर्म, ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए क्वेश्चन बना दिया गया है, हो सकता है कि बना दिया गया। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व तो करना हमें आता ही है। जब हमें पता था कि डेल्टा एक्स जो होगा, यहां से सॉल्व किया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू एम डेल्टा वी। पर फर्क क्या है बेटे, यहां देखिए ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, पहले इसको किसमें कन्वर्ट करना, एसआई में, मीटर पर सेकेंड, यानी 0.0 × 10^2 ना माइनस 2, 0.05 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10^-2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 10^-2 0.05 हो गया कि नहीं हो गया? तो बेटा h की वैल्यू पता है 6.626 × 10^-34 जूल सेकंड, बेटा 4 तो 4 है, पाई पाई है, और मास जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9. मास ऑफ टर्टल है रादर कितना, 150 ग्राम, पर अपने को चाहिए केजी में, याद रखना एसआई में चल रहे तो केजी में चाहिए, तो 150 डिवाइडेड बाय 1000, ये केजी में मास हो गया और वेलोसिटी 0.05 अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, यू कैन इजीली कैलकुलेट डेल्टा एक्स। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया भाई, जल्दी लिखो जल्दी, यस नो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तीसरी तरह का क्वेश्चन। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास आएगा कुछ इस तरह का है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिखा जाता है, द सेम टर्टल, अभी बोल देते हैं चलो वही, अ टर्टल इज मूविंग With a speed of 100 centimeter per second. A turtle is moving with a speed of 100 centimeter per second with an uncertainty of ±1 centimeter per second. एक, the turtle is moving with the speed of 100 centimeter second inverse with an uncertainty of ±1 centimeter per second. और आपको बोला find the uncertainty in position, ठीक है जी। देखो बेटा, अब यहां पे जो हमारे पास ये दे दिया गया है ±1, ठीक है बेटा, मतलब हमारे टर्टल की स्पीड 100 थी, पर हमने बोला +1 यानी 101 भी हो सकती है, -1 यानी 99 भी हो सकती है। तो एक्चुअल अनसर्टेनिटी कितनी आई,
कितनी आई 101 से लेकर के 99 2 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स की एक्चुअल अनसर्टेनिटी आई। लेकिन अगर यहीं पर इसकी जगह यहां दिया था अनसर्टेनिटी ऑफ यानी प्लस वन और माइनस वन की अनसर्टेनिटी है, या तो प्लस वन हो सकती है या माइनस वन हो सकती है, यानी या तो 101 हो सकती है या 99 हो सकती है, प्लस माइनस दोनों चीजें दे रखी हैं, तो टोटल अनसर्टेनिटी आपके पास 2 सेंटीमीटर है। लेकिन इस क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं अनसर्टेनिटी, यानी इस क्वेश्चन में कर देता हूं लैंग्वेज चेंज करके अनसर्टेनिटी विद इन प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। अब विद इन का मतलब क्या है कि एक के अंदर अंदर ही, तो ऐसे केस में जैसे यहां डेल्टा वी हमारे पास आया 2 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स और अनसर्टेनिटी विद इन बोला हो तो डेल्टा वी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स होगा। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत सारे टीचर्स आर एम का माइक क्यों करा करो, मेरे बच्चों बहुत सारे टीचर इसको गलत करवाते हैं। ठीक, वो अगर ये तो कभी बताएंगे ही नहीं कहां 2 लेना कहां 1 लेना, कहां प्लस माइनस को ऐड करना कहां नहीं करना है, वो तो सीधे अगर यहां पे ऑफ भी लिखा होगा तब भी ये लिखवा देंगे और अगर विदिन भी लिखा होगा तब भी लिखवा देंगे, क्योंकि लल्लू को कुछ मालूम नहीं, लैंग्वेज पे कमांड होना जरूरी है ना। कहते सोचना एक कठिन काम है, इसलिए बहुत सारे लोग ये नहीं करते। थिंकिंग इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, सो मेनी पीपल डू नॉट थिंक। बेटा वी शुड थिंक, और हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर बोला ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस 1 मतलब प्लस 1 भी हो सकती माइनस 1 भी, तो टोटल अनसर्टेनिटी 2 सेंटीमीटर की हुई। लेकिन अगर विद इन बोला है, विद इन यानी एक के अंदर अंदर, तो डेल्टा भी 1 होगा। तो शब्दों का फेर है बेटा, शब्द ध्यान से पढ़ करके उसका क्वेश्चन करना नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे यहां पे अनसर्टेनिटी ऑफ दिया था प्लस माइनस 1 तो इसका मतलब यहां पे 2 सेंटीमीटर लिया, तो ऐसे केस में आपको डेल्टा एक्स अगर निकालना होता तो कैसे निकालते भाई, 6.626 इंटू 10 to power माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 टर्टल का मास, हो द टर्टल विद मास 150 ग्राम। ओके मास तो देना ही पड़ेगा ना, तो 150 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू अब अनसर्टेनिटी कितनी लिखोगे, 0.02 वही सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया भाई। ठीक, तो 10 to power -2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्वेश्चन ऐसे। और अगर अनसर्टेनिटी विद इन बोला था तो बेटा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 to power -34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 150 upon 1000 rather 1000 इंटू 0.01। बेटे अगर गलत कर दोगे तो इसका आंसर ये वाला आंसर से ट्वाइस आना है, समझ रहे मेरी बात, आंसर में बहुत बड़ा झोल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको पूछा क्या है और उन शब्दों को ध्यान से समझना जरूरी है। अगर बोला अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस 1 यानी प्लस 1 भी हो सकती है अनसर्टेनिटी माइनस 1 भी हो सकती है, तो मतलब अनसर्टेनिटी 2 की हो गई। बट अगर बोला होता विद इन प्लस माइनस 1 यानी प्लस माइनस 1 के बीच बीच में, तो मतलब 1 की अनसर्टेनिटी होती यानी 1 के बीच बीच में ही है वो। क्लियर हो गया, कब विद इन और कब ऑफ कैसे देखना है। ठीक, क्लियर। और सर अगर विद इन या ये ना दिया हो तो बेटा जो दी है उतनी लेना। ठीक, ऐसे बोला अनसर्टेनिटी इज प्लस माइनस 1 तो 1 ही लेना।
समझ गए ना बेटा? तो ये हो गया बेटा हमारे पास अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आगे चले जी। अगला क्वेश्चन, इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। इस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन of an electron whose uncertainty in position and momentum is equal, whose uncertainty of position and momentum is equal. Calculate the uncertainty of velocity of an electron whose uncertainty of position and momentum is equal. ठीक, यानी हमें दिया है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी दे रखा है और हमसे पूछा है डेल्टा बी निकालो। ठीक है जी। अब देखो बेटे, हमें पता था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई होता है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो एक्स की जगह पे भी आप डेल्टा पी लिख सकते हो ना, तो मतलब हो जाएगा डेल्टा पी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। और डेल्टा पी क्या होता है, एम डेल्टा वी का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई मेरे भाई? इसका मतलब डेल्टा वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई एम का स्क्वायर। ठीक है जी। तो बच्चों डेल्टा बी कितना निकला होगा, इसको अंडर द रूट करना होगा, तो यहां पे आया 1 बाय एम अंडर द रूट एच अपॉन 4 पाई। ठीक है जी। अब हमें एम तो पता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। H क्या है, H is 6.626 into 10 to power minus 34. 4 है, पाई पाई है, पुट करोगे आंसर निकाल दो। बेटा अभी समझ में आ गया, कोई मुश्किल? तो बेटे मैंने आपको कोशिश की कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जितने तरह के वैलिड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, जिस तरह के क्वेश्चन बनते हर तरह का क्वेश्चन आपको क्लियर करवाने की कोशिश की। व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, ये पहली तरह का क्वेश्चन था। फिर कैसे हमने वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, कब हम लगाते हैं एक्यूरेट अप टू इनएक्यूरेट अप टू, से घबराना नहीं होता, प्लस माइनस में कब हम डबल लेते हैं कब हम सेम लेते हैं, ये सारा क्लियर करते हुए यहां तक हम पहुंच गए। तो उम्मीद है अब हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1.5 मिनट, आई एम बैक।